प्रियंका चोपड़ा के बाद तापसी ने भी चोरी छिपे की सगाई। ट्विटर पर कही यह बात शुक्रवार की सुबह से ने फैंस को उस वक्त सरप्राइज मिला जब प्रियंका चोपड़ा की सगाई की खबर आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बीते 18 जुलाई को ही बॉयफ्रेंड निक जोनस से एंगेजमेंट कर ली और किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगने दी। शाम होते होते एक और एक्ट्रेस की सगाई की खबर ने फैंस को चौंका दिया। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने चोरी छिपे सगाई कर ली है। खबर के मुताबिक तापसी ने डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी मथियास बेओ से सगाई कर ली है। यही नहीं, उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पिछले दिनों तापसी के माता पिता गोवा गए थे जहां उनका रिश्ता पक्का हुआ। अब एक्ट्रेस ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। तापसी पन्नू ने ट्विटर पर उस वेबसाइट को व्यंग्यात्मक लहजे में जमकर लताड़ा है। उन्होंने लिखा, सच में ताज्जुब है कि मुझे मेरी ही सगाई में नहीं बुलाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे माता पिता पिछले 10 साल से गोवा नहीं गए हैं, वरना आप यह सोचने लगेंगे कि मेरी एंगेजमेंट 10 साल पहले ही हो चुकी है। आप उस तरफ है। तापसी पन्नू जल्द फिल्म मुल्क में नजर आने वाली है। यह फिल्म 3 अगस्त को रिलीज होगी। इसमें वह वकील की भूमिका में देखेंगी। इसके बाद सितंबर में उनकी फिल्म मनमर्जियां रिलीज होगी। इस फिल्म में वे विक्की कौशल और अभिषेक बच्चन संग दिखेंगी। हाल ही में उनकी फिल्म सूरमा रिलीज हुई है। समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर पाई।